नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपके सामने हाजिर हैं। और आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है, मेनली इसको मोबाइल सैनिटाइजर बोलते हैं, बट काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट भी आप इसके इस्तेमाल से सैनिटाइज कर सकते हैं। और आज के डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हैं कि ये एक छोटी सी डिवाइस है, क्योंकि नॉर्मली जब हम किसी नॉर्मल सैनिटाइजर से किसी डिवाइस को सैनिटाइज करते हैं तो जितना क्वांटिटी हमको यूज़ करना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल हो जाता है। बट ये कुछ इम्पॉर्टेंट एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है मार्केट में, और ज़्यादा प्राइस भी इसकी नहीं है। मार्केट में आपको लगभग 350 से 400 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं पर 250 में भी मिल जाता है। बट 350 to 400 वाला जो है उसका रेंज काफ़ी मतलब सही है। अगर होगा तो मैं लिंक डाल दूंगा इसमें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इसको अनबॉक्सिंग करने पे कैसा दिखता है प्रोडक्ट। तो पास से अगर मैं दिखाऊं तो इस तरह के एक छोटे से पैकेट में ये आता है। 25 ml का इस पर कैपेसिटी है इसका, सैनिटाइजर को स्टॉक करने का। उसके बाद नैनो हाइड्रेटिंग एक सिस्टम इसमें दिया हुआ है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ में लैस है ये प्रोडक्ट। अगर पावर सप्लाई की बात करूँ तो 3.7 वोल्ट, इसके साथ में एक चार्जर भी, एक छोटा सा केबल हमें मिल जाता है। और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। मॉडल आईडी की बात करूँ तो ZT01 इसका मॉडल है। अब इसको करते हैं अनबॉक्स और चलिए देखते हैं इसके अंदर में हमें क्या क्या मिलता है। दोस्तों अगर इसको हम बाहर निकालते हैं तो हमें मिलता है एक ये सैनिटाइज़र, और ये ऊपर में इसका स्टॉक करने के लिए सैनिटाइज़र जो कि 25 ml का कंपनी क्लेम करती है कि इसके अंदर में है। इसको रखते हैं साइड में। इसके साथ में हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है एक चार्जिंग केबल जो कि बहुत ही बोलो तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का तो मुझे नहीं लग रहा है, बट ठीक ठाक है इसकी कैपेसिटी को देखते हुए। इसको रखते हैं साइड में। और क्या खास है इसमें, तो देखिए दोस्तों अगर मैं पास से आपको दिखाऊं तो यहाँ से जो कि एक वेपर टाइप का आपका सैनिटाइजर को चेंज करके ये मतलब मशीन उसको चेंज करेगी वेपर में, और उसके बाद ये आप किसी भी डिवाइस के पास में इसको रखेंगे तो वो सैनिटाइज हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसके डिवाइस के बारे में तो इधर एक आप देखेंगे कि चार्जिंग केस है, लगभग 30 मिनट्स में ये डिवाइस चार्ज हो जाता है। उसके बाद अगर आप इसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो 20 to 25 मिनट्स तक आप इसको लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं फिर से आपको बात करूं तो यहाँ पे इसका एक बटन है, अभी देखते हैं ये चार्ज है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये चार्ज है, इसमें ब्लू लाइट आ रही है, और इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो एक बार बंद हो जाएगा, दोबारा से ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से आपको सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, तो सैनिटाइज़र फिल करना होगा। तो ये आपको मार्केट से या अपने घर पे परचेस करना होगा, घर से लेना, घर का इस्तेमाल करना होगा। इसमें एक मेजर चीज़ ये है दोस्तों कि आप इसमें ज़्यादा थिक सैनिटाइज़र इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसमें आपको थोड़ा सा पतला सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है एक सैनिटाइज़र जो कि काफ़ी थिन है, आप देख सकते हैं। और इसको हम लोग इसमें किस तरह से भरेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसे हमें काफ़ी सावधानी से इस तरह से रोटेट करना है। जैसे देखिए यहाँ किया तो ये लॉक हो गया, इसको ऐसे पुश किया और इसके बाद ये बाहर आ गया। तो दोस्तों इस तरह का कुछ इस तरह का प्रोडक्ट खुलने के बाद ये दिखता है। और ये हमारा सैनिटाइजेशन चेम्बर आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे हम सैनिटाइजर फिल करेंगे 25 ml का। उसके बाद इसको इस तरह से लॉक कर देंगे तो ये हमारा डिवाइस रेडी हो जाएगा। तो फिलहाल इसको चलिए हम लोग पहले सैनिटाइजर भरते हैं इसमें और देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसमें डाल रहे हैं सैनिटाइजर। ये हमने सैनिटाइजर, थोड़ा सा सैनिटाइजर आप जब इसको फिल करेंगे तो गिर जाएगा इधर उधर, बट उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा हवा में। अब इसको हम यहाँ से बंद करेंगे तो इसको काफ़ी सेफली बंद करेंगे हम। और बंद करने के लिए अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस ये बैठ गया दोस्तों, और इसे हमें अब इधर से लॉक करेंगे तो आवाज़ आ रही होगी, आपको भी सुनाई देगी अगर मैं पास से सुनाऊं आपको तो। ये इस तरह का एक कट से आवाज़ आएगा, उसका मतलब है कि डिवाइस आपका यूजेस के लिए तैयार है। अब इसे हमें थोड़ी देर तक इसी तरह से ऐसे रख देना है क्योंकि तुरंत में ये डिवाइस काम नहीं करेगी। अगर आपने परचेस किया है और ये काम नहीं कर रहा है तुरंत में तो आप सोचेंगे कि ख़राब है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि थोड़ा टाइम इसको लगता है, लगभग 32 सेकेंड टू 1 मिनट के आसपास में
उसके बाद आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं किस तरह से आप इसको सैनिटाइज करेंगे। तो दोस्तों काफ़ी हैंडी प्रोडक्ट है, जब तक ये चार्ज होता है तब तक हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करें। काफ़ी हैंडी प्रोडक्ट है ये, और आप इसको आराम से अपने पॉकेट में लेकर के भी निकल सकते हैं कहीं पर भी। तो आप देख सकते हैं कि ये यूज़ के लिए तैयार है। तो अगर मैं आपको पास से दिखाऊं, तो मेरे पास ये एक दूसरा फ़ोन है, और इसको सैनिटाइज करने के लिए हमें इस प्रकार से इस डिवाइस के पास लाके इस बटन को प्रेस करना है। तो अभी ये फ़ैन ऑन होने के कारण आपको वो क्लियर दिख नहीं रहा होगा, तो मैं बोलूँगा कि फ़ैन को थोड़ा सा ऑफ़ कर देंगे। तो डिवाइस को मैं पकड़ लेता हूँ। तो दोस्तों फैन रुकने का वेट करते हैं, क्योंकि इसका वेपर फिर आपको कैमरे में काफी अच्छे से दिख नहीं पाएगा। तो दोस्तों इसको करते हैं सैनिटाइज। तो आप देखेंगे कि इधर से आपका ये पूरा पूरी एक वेपर टाइप का निकल रहा है, जिससे कि आप आराम से अपने फोन को सैनिटाइज कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये वेपर यहाँ पे एकदम साफ साफ है, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात कि ये फ़ोन को आपका ज़्यादा जरा सा भी मतलब, ये आपको अब आप देखेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से ये फैन ऑफ होने के बाद आपको ये दिख रहा है कि ये आराम से सैनिटाइज कर सकता है इसको। और आप देखेंगे कि जरा सा भी लिक्विड जो है वो डिवाइस पर नहीं आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा एक डिवाइस है ये हमारे लिए, किसी भी चीज़ को, खास करके जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, डोर हैंडल हो गया हमारा, या किसी भी ऐसी सरफेस जो कि लगातार दूसरे लोगों के द्वारा भी टच की जाती है, उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक टेबल पे एक स्टॉक रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे तो इसको आराम से हम इस तरह से सैनिटाइज कर सकते हैं। अगर हम कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये लैपटॉप है मेरा, यहाँ पे रेगुलर टच करते हैं हम इसको, तो यहाँ पे भी हम इसको इस तरह से रखेंगे, तो ये आराम से मेरा जो डिवाइस है इसको ये काफ़ी अच्छे से सैनिटाइज कर देगा। ये हाथ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट हाथ के लिए हम लोग जनरली जो नॉर्मल सैनिटाइजर है वही यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि आप अपने पॉकेट में लेकर के आराम से निकल सकते हैं, और ये काफ़ी आराम से आपका हर डिवाइस को सैनिटाइज कर देगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।